राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार को आगरा पहुंची। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुए। दोनों ने एक साथ यात्रा में शामिल लोगों का अभिवादन किया। यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रियंका गांधी भी नजर आए। इस यात्रा में सपा मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान आगरा में ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर राहुल और अखिलेश दोनों गदगद नजर आए। दरअसल आगरा के टेढ़ी बगिया से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी अलीगढ़ से होते हुए आगरा पहुंचे थे, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी आगरा पहुंचे। दोनों नेताओं का भारी भीड़ ने स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जब एक दूसरे का हाथ थामा तो भीड़ ने जबरदस्त शोर मचाया। यात्रा में अखिलेश का स्वागत खुद प्रियंका गांधी ने किया। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन के दौरान अखिलेश की जमकर तारीफ की। इस दौरान सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता ने दोनों नेताओं का स्वागत किया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सपोर्ट करने काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जैसे ही एक दूसरे का हाथ थामा, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भीड़ का उत्साह देख राहुल गांधी भी गदगद नजर आए। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, नफरत करने वालों को भी मोहब्बत सिखा देते हैं, ये आगरा है जनाब जो दिलों को मिला देता है। वहीं अपने एक अन्य पोस्ट में अखिलेश ने लिखा, कारवां पहुंचा जब मोहब्बत की रियायत में मातम छा गया तब नफरत की सियासत में। इससे पहले जब अखिलेश यादव यात्रा में शामिल होने आगरा आ रहे थे तब उनके स्वागत में सपा समर्थकों ने इतनी होर्डिंग और बैनर लगा दिए थे कि पूरा मार्ग ही पट गया था। यात्रा राहुल गांधी की थी लेकिन रंग समाजवादी का खिला खिला नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के ऐलान के बाद राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव एक मंच पर पहली बार नजर आए। गठबंधन के तहत यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी जिसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। इन सीटों के नाम भी कांग्रेस ने साफ कर दिए हैं। वहीं बची हुई सीटों पर कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी।